नंबर के रजिस्टर में 25 पेज पर 19/11/99 का प्रत्यक्ष भारतवासी इस बात को खास भूल गए कि बेहद का बाप जो राजयोग सिखाने आता है वो प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है। विदेशियों को आम क्यों कहा? क्योंकि विदेशियों को तो प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात में विशेष ज्ञान है। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव किनको। जब बाप भगवान आते हैं तो उनको आते हैं किसके तन में, ब्रह्मा के तन में बोला जा रहा है कि किसके तन में आते हैं है? जब उनको पुकारा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, किसके तन में आते हैं? बैठा किसके तन में हुआ है जब भगवान चलाई जा रही है? ब्रह्मा के तन में तो त्वमेव माता च पिता नहीं हुआ, क्यों? माता भी है, माता का पाठ बजाय प्यार भरा पाठ बजाय, ऐसा क्या पाप प्यार को दे नहीं सकता दुनिया में? ऐसा प्रूफ नहीं कितना प्यार किसी ने दिया हो? फिर पुरुष तन भी है, वो पिता भी हुआ, टाइटल भी है। दादा लेख राज्य के तन में माता और पिता दोनों का पाठ क्यों नहीं? क्योंकि तन पुरुष का है और पाठ माता का है, और प्रैक्टिकल में माता पिता दोनों अलग अलग चाहिए, तब कही जाएगी प्रवृत्ति, और अकेला है तो निवृत्ति कही जाएगी। दादा मेघराज के द्वारा जो पाठ चला परम पिता परमात्मा शिव का, वो निवृत्ति मार्ग का हुआ या प्रवृत्ति मार्ग का हुआ? उसको कहेंगे निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सरस्वती को निमित्त बनाया था तन पुरुष का होने के कारण, लेकिन सरस्वती को ही हमारी माँ माँ नहीं थी, वो भी कौन थी? ब्रह्मा की बेटी। तो इतने दिन तो ऊपर निवृत्ति मार्ग में रहते थे, कितने दिन है? कितने दिन? 5000 वर्ष। कितने दिन रहते थे ऊपर निवृत्ति मार्ग में? 5000 वर्ष। और वो 5000 वर्ष की शूटिंग कब हुई? कब से कब? 36 से लेकर 76 तक ऊपर रहे। कौन रहे ऊपर? प्रवृत्ति मार्ग वाले। निवृत्ति मार्ग में रहे ऊपर। ऊपर का मतलब इतने दिन तो निवृत्ति मार्ग में ऊपर रहे, यहाँ आने से जैसे गृहस्थी बन जाती। क्यों बन गए गृहस्थी? इस धरती पर आ जा रही किसने पुकारा है? धरती पर कहाँ आ जा, नीचे आ जा, ऊंची स्टेज को छोड़ दे और कहाँ आ जाओ? नीचे की स्टेज। क्यों? गृहस्थी होंगे वो तो बिगड़ जाएंगे, ये क्यों कहते हैं? गृहस्थी को गिरी हस्ती बना दिया, हमको गिरा दिया। गृहस्थी क्या गिरी हस्ती है? नीचे गिरे हुए हैं क्या? कौन बुलाते हैं? निवृत्ति मार्ग वाले। निवृत्ति मार्ग वाले ऊंची स्टेज वाले हुए हैं, नीची स्टेज वाले है? तो गृहस्थियों के पांव पर, गृहस्थी तो उनके पांव पड़ते हैं, तो गृहस्थी क्या समझते हैं? ये निवृत्ति मार्ग वाले तो हमसे बहुत ऊंची स्टेज वाले, और हम बहुत गिरी हुई हस्ती वाले, इसलिए अपन को क्या समझ लेते हैं? हम गिरी हस्ती, गृहस्थी नहीं, गिरी हस्ती।
शास्त्र कहते हैं गिरी हस्ती न समझो, क्योंकि अर्जुन गृहस्थी को ही भगवान आकर के नर से नारायण बना, सन्यासियों को भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को नहीं बनाते, विद्वान आचार्यों को नहीं बनाते, तो बनाते कैसे हैं? ऊंचे स्टेज में रहकर, निवृत्ति मार्ग में रहकर नहीं, प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं और प्रवृत्ति मार्ग में आकर के गिरी हस्ती वालों को ऊंची हस्ती बनाते। कोई सीधे हुए को उठाया जाता है तो गोटा था क्या करता है, खुद भी नीचे बॉटम में जाता है और फिर उठा के लाता है। लेकिन साकार में आया तो नीचे तो कहेंगे, प्रवृत्ति में कहेंगे, गृहस्थी में कहेंगे या निवृत्ति में ऊपर कहेंगे, तन में तो आया ना, तन के द्वारा एक्ट तो करेगा। तो जिसको उठाते हैं वो तो अपना सारा वजन किसके ऊपर डालेगा, उठाने वाले के ऊपर डालेगा ना। अगर पावरफुल न हुआ तैरा तो उसको भी डुबा देगा। तो उस धरती पर आ जा रहे ये कौन पुकारते हैं? गिरी हस्ती वाले पुकारते हैं, नीची हस्ती वाले पुकारते हैं कि तू इधर नीचे आ जा और हमको ऊपर ऊपर ले जा। कहा तो सब जानते हैं, फिर मेरा कार है कहा प्रवृत्ति मार्ग में। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी क्या समझते हैं कि शिव तो हिंदी बाबा है, वो तो हाँ वो निराकार है। अगर आरती भी उतारनी है तो हमारी पहले आरती उतारो, अपने गुरुओं चेलों से कहते हैं पहले आरती हमारी उतारो, फिर वो जड़ मंदिर में जो जड़ शिवलिंग रखा है उसकी जाकर के आरती उतारो, क्योंकि वो तो जड़ है। हमारी आरती पहले उतारो, केले उतारते हैं पहले उनकी आरती, हम चैतन्य है और वो जड़ है, तो वो निराकार समझते हैं। बल शिव का आकार है परंतु बाल बच्ची तो नहीं है, शिव का आकार है परंतु बाल बच्चे तो नहीं है, अगर है भी तो सब आत्मा बच्चे हैं। निराकार के बच्चे भी कैसे होंगे, निराकारी स्टेज वाले ही होंगे ना, और जिनकी निराकारी स्टेज होगी उनकी संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, है जरूर कम होगी। निराकारी स्टेज में रहना तो जरा कठिन होता है, तो कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा, जो निराकार बाप के निराकार बच्चे हैं, ऐसे नहीं कभी हैं कभी नहीं है। जब बाप आकर के निराकारी स्टेज की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उस स्टेज को जो पकड़ते हैं वो बच्चे कितने हैं, है बस सिर्फ आप ऐसे थोड़ी है। बच्चे तो 4 लाख थी, 4.5 लाख, क्यों वो निराकारी स्टेज ऐसी पकड़ते हैं जो शरीर को भी एकदम डिटैच कर देते हैं, बहुत भी किसके लिए तो सब आत्मा है बच्चे हैं। माने 4 ग्राम कितने हुए असली, 4.5 लाख, फिर उनके संग से उनके संग में रह करके 4.5 लाख बच्चे और जो गर्भ में पलते हैं वो भी संग के रंग से कैसे बन जाते, 16 कला संपूर्ण, तो वो भी क्या हुए, वो भी 4 ग्राम बन जाते, तो कितने हुए ज्यादा से ज्यादा 9 लाख। सब एक जैसे बच्चे हैं, माना सब 4 ग्राम, 4 ग्राम में क्या विशेषता होती है और शिवलिंग में क्या विशेषता होती है,
परेशान जा रहा हूँ। शिवलिंग की बड़ी लाइट दिखाते हैं और टेलीग्राम की लाइट छोटी दिखाते हैं। दूसरी बात, टेलीग्राम में बंधन दिखाते हैं और शिवलिंग में बंधन बंधन नहीं दिखाते हैं। हाँ, तो क्या मतलब हुआ कि और जो नौलाख हैं आपस में नहीं, और जो नौलाख हैं उनको कर्मों का बंधन लगता है और इस एक को कर्मों का बंधन नहीं लगता, जो सबको निर्बंधन बनाने वाला है। तो सब एक जैसे बच्चे हैं। निराकारी स्टेज वाले तो हैं, लेकिन ऐसा एक भी नहीं है जिसको कर्मों का बंधन न लगता। भोगता सब है, जब भोगी है तो बंधन भी जरूर लगता है और अभोक्ता एक। इसलिए समझते हैं सब परमात्मा है, सब एक जैसे। मैंने सब निराकारी स्टेज में तो है, तो सब तो लोग क्या समझ लेते हैं कि सब सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है और परमात्मा भी बिंदी रूप है, तो रूप दोनों का एक, इसलिए समझ लेते हैं कि सब सब परमात्मा। गृहस्थी लोग भी जाते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है। क्या परमात्मा ब्रह्म है, तुम्हें माता च पिता नहीं कहेंगे। परमात्मा के रूप किसको मान लेते, ब्रह्म तत्व को ही, जो सूर्या तत्व है, जो श्रेष्ठ तत्व है, जिसमें भगवान आकर के वास करता है, रहता है। ब्रह्म तत्व कहो, ब्रह्मा तत्व कहो, जड़ तत्व, तो उसी को भगवान मान लेते। उसका मार्ग अलग है। ये भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा करते हैं। क्या तुम्हें बनाता है पिता, यह कहेंगे अच्छितम केशव राम नारायण, सब देवताओं को मिला के एक कर देते हैं एक ही श्लोक। मत्स्य मार्ग में सुखियां तो अथाह जाती, सुखमाने नीचे गिरना, जैसे बूंद होता है ना, तो बर्तन टूटा हुआ हो तो ऊपर से बूंद बूंद करके नीचे गिरता है, युद्ध होता है, गिरता रहता है, तो वो हुआ चित्त, अच्युत, जो कभी ऊपर से नीचे न गिरे, वो कौन हुआ, तो बाबा, तो उसको अच्युत भी कह दिया। फिर केशवम का माना ब्रह्मा, उसका ईश्वर। राम भी कह दिया, अच्युतम केशवम राम नारायणम, नार मन जल, ऐन मन घर, ज्ञान जल ही जिसका घर है, सागर में पड़ा हुआ ना, तो नारायण फिर कृष्ण नाम भी दे दिया उसी का। तो सारे देवताओं को मिला करके एक कर देते। भक्ति मार्ग में कितने अथाह जाते हैं, तो सब देवताओं को मिला के एक क्यों कर दिया, कहां की यादगार है। संगम गुने ही जब परमात्मा बाप का पार्ट आकर के बजाते हैं, तन में परमात्मा पार्ट बजाते हैं, तो उसमें ब्रह्मा की सोल भी है, शिव की सोल भी है, राम की सोल भी है, यानी नारायण का पार्ट बजाने वाला भी वो स्तन में मौजूद है। इसलिए सबको मिला करके एक कर दिया। तो सब देवताओं के आगे जाकर कहते हैं तुम ही भगवान हो। हर देवता के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, स्थितियां जाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। ये नई बात होने के कारण किसी बुद्धि में नहीं आता है कि उनसे वर्षा कैसे मिलता है और क्या वर्षा मिलता है। बुनियादी साधु संत महात्माएं भी नहीं जानते, विद्वान आचार्य नहीं जानते, और ब्राह्मणों की संबंधी दुनिया में भी नहीं जानते कि कैसे वर्षा मिलता है और क्या वर्षा मिलता है। तो समझते हैं महलमारी आचार्यां मिल गई, हवाई जहाज में घूमना फिरना मिल गया, तो समझ लेते हैं कि बस हमको स्वर्ग भगवान ने दे दिया, भगवान को हमको ये, भगवान हमको ये वर्षा देता।
अब भगवान को अल्पकाल का सुख थोड़ी देता है। तो ये भी जब पता कि भगवान से हमको क्या वर्षा मिलता है, और जो भी ये सदाकाल की सुख का स्वर्ग का वर्षा मिलता है वो कैसे मिलता है ये भी नहीं जानते, कैसे मिलता है वो समझते हैं कि वो निराकार है। वास्तव में पाप इस साकार पृथ्वी पर आता है, नीचे स्टेज में जरूर आता है, लेकिन नीचे स्टेज में आते हुए भी उसकी अंदर के स्टेज पावरफुल है। देखने से ऐसा लगेगा कि नीचे स्टेज क्यों, क्योंकि जिस तन में आता है वो भी एक आत्मा है, वो कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है, वो भी पतित तन है, तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान आत्मा में परमात्मा प्रवेश करता है, तो तमो प्रधान आत्मा को संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा है? लगेगा तो जरूर, औरों को ज्यादा लगेगा और उसको थोड़े टाइम के लिए इस पर रहेगा, क्योंकि परमात्मा की प्रवेशता है इसलिए कबर जल्दी हो जाएगा। जिसमें मुकर्रर रस है, कांस्टेंट प्रवेशता है, लगातार का संग रंग है, बुद्धि योग से सदा साथ है, तो रिजल्ट क्या होगी? संग का रंग तो लगेगा लेकिन अल्पकाल के लिए रहेगा। तो परमात्मा बाप से कैसे वर्षा मिलता है सदा सुख का, यानी पवित्रता से ही तो सुख शांति होती है, तो वो प्योरिटी का वर्षा कैसे मिलता है ये नहीं जानते, कैसे मिलता है, क्या वर्षा मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, इस बात को नहीं जानते। तो बच्चे जानते हो वो बाप भी है और दादा भी है, बड़ी माँ भी है। कैसे बड़ी माँ, कैसे वो बाप भी है। बाप तो इसलिए है कि ज्ञान का बीजारोपण भी उसी ने किया आदि में, और अंत में सुख का वर्षा भी, सुख का वायुमंडल, सुख का वाइब्रेशन में रहने वाली हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऐसी स्टेट बनाने वाला भी कोई है। दूसरी बात, माँ कैसे है, ब्रह्मा की सोल प्रवेश है इसलिए नहीं, माँ तो अलग होनी चाहिए, स्त्री चोला होना चाहिए, पुरुष तन में प्रवेश है तो माँ तो नहीं है ना। तो जैसे ब्रह्मा के लिए कह देंगे तुम्हें वो माता का पिता, लेकिन वो तो राम है। तो रुद्रमाला के पहले दो मणके हैं ऊपर वाले, वो युगल मणके हैं, युगल मणके माने एक स्त्री और दूसरा पुरुष चोले, दोनों में ही परमात्मा प्रवेश करता है। एक में प्रवेश करता है तो सीता सजनी का पार्ट बजाता है, और दूसरे में प्रवेश करता है तो साजन का पार्ट बजाता है, राम बाप का पार्ट बजाता है। ये जोड़ी है ज्ञान और भक्ति की, एक के द्वारा सुनने सुनाने का पार्ट बजाता है प्रवेश करके, और दूसरे के द्वारा समझने और समझाने का पार्ट बजाता है। तो बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है, एक तन के द्वारा नहीं है माता पिता, माता पिता दो तन के द्वारा है, पिता एक तन से है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, इस द्वारा ब्रह्मा जी हाँ ठीक है, उस तन के द्वारा कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, कहा कहते हैं, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। अगर बाप हूँ तो माता भी तो चाहिए ना, तो अगर बाप कहता हूँ तो फिर क्या करना पड़े, प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़े। तो कैसे आते, वही ब्रह्मा की आत्मा, वही सरस्वती की आत्मा कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है, और शिव बाप भी प्रवेश करते हैं। शिव बाप विशेष पाठ बजाते हैं पुरुष तन के द्वारा, और ब्रह्मा माता का विशेष पाठ चलता है जगत माता के द्वारा, जगदम्बा द्वारा। तो प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति मार्ग वाला बन जाता हूँ कि ये ब्रह्मा मेरी बन्नी है, बन्नी है मन
अभी इसके साथ बनती नहीं है, माना अभी कंप्लीट नहीं हो गया है, क्या प्रवेश करने से एकदम कंप्लीट हो जाएगा? संघ का रंग लगते लगते क्या होगा, अंत में कंप्लीट बन जाएगी। जब तक यही कंप्लीट नहीं है तो बच्चे बच्चे कैसे कंप्लीट हो जाएंगे? बच्चे संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये बननी है, बननी है, इसलिए इसका नाम बननी है, बननी पड़ा, बनने वाली है। हाँ है? तो ये कहाँ था जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गया? ये तो पहले ही अभी बोल दिया ना कि जिसमें प्रवेश करता है समझने समझाने वाले बाप के रूप में बुद्धिवादी बाप होता है और माता भावनावादी होती है। माताओं में, भारत की माताओं में विशेषता क्या होती है? उनमें भावना श्रद्धा विश्वास जाति होता है। और पुरुषों में, पुरुष बौद्धिक होते हैं इसलिए बुद्धिवादी होने के कारण उतनी श्रद्धा विश्वास भावना भावना नहीं होती जितनी माता में होती। तो ये दो रूप हुए, एक माता का रूप और एक बाप का रूप। तो इस द्वारा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, इन द्वारा नहीं कहा, इस द्वारा यानी एक ही द्वारा बाप भी। फिर मुझे प्रभु की मार्ग में आना पड़ता है, मुसीबत लगती है, पड़ता है मैंने, मजबूरी है, ये मेरी युगल भी है, आना पड़ता है। ऐसे क्यों कहा? कौन सी मजबूरी है? है तो जिस तन में आता हूँ वो भी तमो प्रधान, जो बन्नी बनाता हूँ वो भी बनती नहीं है, बनी हुई नहीं है, बन जाती है बाद में, तो ये भी तो मेहनत करनी पड़े। फिर दूसरे बात, जिनको उठाना है, जिन बच्चों को, गिरे हुओं को जिनको उठाना है, वो भी क्या करते हैं? अपना सारा पाप का बोझा जो नीचे से उठाता है उसके ऊपर डाल देते हैं। हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए रे। किसका? हीरो पाठधारी जो है वो जब संघ के रंग में आता है, कौन है हीरो पाठधारी? शिव ज्योति बिंदु, शिव ज्योति बिंदु हीरो पाठधारी है, उसको हीरा कहेंगे? हीरा तो है लेकिन वो हीरो पाठधारी नहीं है। कौन? शिव ज्योति बिंदु। क्यों? हीरो होगा तो हीरो के साथ हीरोइन भी चाहिए, वो कौन होगी? जगदम्बा। तो एक निराकार बिंदु और जगदम्बा साकार, ये जोड़ी बनेगी? जोड़ी तो समान वालों की बनती है। तो प्रजापिता के तन में वो जगत पिता है, निराकारी तेज वाला, और जगदम्बा के तन में माता है, ये जोड़ी है। तो आना पड़ता है, ये मजबूरी है। क्या क्या मजबूरी बताई? कि जिस तन में आता हूँ वो भी सक्षम नहीं है, मैं प्रवेश करके उसको पावरफुल बनाता हूँ। फिर दूसरे, जिनका भी संघ का रंग लगता है उस तनधारी को, मन प्रजापिता को, उनके सबके पापों का बोझा किसके ऊपर पड़ता है? जाएगी जो गोताखोर होगा उसी के ऊपर बोझा पड़ेगा ना, सारा पापों का बोझ आने के ऊपर पड़ जाता है। और प्रजापिता किसके ऊपर डालता है? ऊपर। तो बताया, इस धरती पर आ जा रहे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। किसने बुलाया? गिरे हुए बच्चों ने बुलाया, जो गृहस्थी में गिरे हुए हैं उन्होंने बुलाया कि हमको भी अपनी जैसा बना ले, एक बाप तू जरा न कोई बस। शिव बाबा, शिव बाप और शिव बाबा में क्या अंतर है? लिखा तो है, शिव बाप किसे कहते हैं, शिव बाबा किसे कहेंगे? और शिव बाबा बात अलग ही कि नहीं? इस सारी सृष्टि पर सदा काल तो कोई रहता नहीं, सदा काल एक शिव बाबा ही इस सृष्टि पर स्थाई है,
इस मुरली का महावा की क्या हुआ, कौन सा महावा शिव बाबा हुआ जो शक्ति पर सदा काल है? तो फिर शिव ज्योति बिंदु जो बाबा है, जो बाबा तो तभी बना ना जब साकार तन के साथ मेल हुआ। जो बाबा प्रवेश नहीं करता है उसकी चोले में, जब इसी चोले में प्रवेश करता है हर तरीके से प्रवेश करता है। बाप जब माता में प्रवेश करता है तो अर्धांगिनी कही जाती है, आधांग उसका, आधांग उसका, अर्धांग शिव का चित्र है, अर्धांग नारीश्वर का चित्र है, आधे की हकदार हो जाती है, माने तन भी आधा उसमें जाता है और धन भी आधा, आधा उसके लिए आधा तुम्हारे लिए, आधा उसमें जाता है। माता सब बच्चों के लिए लगाती है, अपने लिए रखती नहीं है। तन की पावर भी सारी बच्चों में चली जाती और धन की पावर भी सारी बच्चों में परवरिश में लगाती है और मन की पावर भी सारी बच्चों में लगाती। तो बाप सारा प्रवेश हो गया किसमें? माता में प्रवेश हो गया ना। वो ब्रह्मा के अंदर, दादा लेखराज के अंदर जो पार्ट चला वो इम्प्रैक्टिकल पार्ट नहीं, वो तन मन धन से प्रवेश करने की बात नहीं। क्योंकि तो परमधाम से ज्योतिबिंदु आएगा को कोई धन लाता है क्या? कौन सा धन लाता है? निराकारी धन। धन कौन सा लाता है? निराकारी धन। इसलिए बाप बच्चों से पूछते हैं, निराकारी बाप को क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकारी बाप का कौन सा वर्षा चाहिए? निराकार वर्षा चाहिए या साकार वर्षा चाहिए? कभी भक्ति मार्ग में कोई कहता है हे प्रभु आओ हमको आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ, क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ हम पतितों को पावन बनाओ, तो निराकारी वर्षा चाहिए या साकार वर्षा चाहिए? साकार वर्षा सुख का है, सुख तो शरीर से ही मिलता है, सुख दुख कहाँ से मिलता है? शरीर से मिलता है, तो सुख का वर्षा शरीर से कैसे लेंगे ना? निराकार से लेंगे या साकार से लेंगे? साकार से मिलेगा। तो मुझे प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है, हाँ मुझे आना पड़ता है। 5000 वर्ष के संस्कार पड़े हुए हैं उस सुप्रीम सोल के, कौन से निवृत्ति मार्ग के। कोई आत्मा मानो संन्यास धर्म की आत्मा है और संन्यास धर्म की आत्मा जब से आई मानो आदि शंकराचार्य की आत्मा, उससे ज्यादा बड़ा तो सन्यासी कोई नहीं हो सकता। वो आज से 1200-1250 वर्ष पहले आया, 1500 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, तो तब से लेकर के अंत तक अंतिम जन्म में आकर के सब सन्यासी तम प्रधान बन जाते। तो इतने जन्मों तक तो सत्व प्रधान रहे यानी पवित्र रहे और अंतिम जन्म में आके उनको नीचे गिरना पड़े तो उन्हें तकलीफ महसूस होगी या उनकी रग पक्की हुई पड़ी होगी? तकलीफ महसूस होगी। तो ऐसे ही शिव बाबा को अरे वर प्योर तो है लेकिन तन तो नहीं ग्रहण किया है ना 5000 साल, तो इसलिए बोलते हैं मेरे को आना पड़ता है। माने मैं आना नहीं चाहता, ये मेरी युगल भी है। क्या ये है? मेरी युगल भी है, बच्चा भी। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। अगर इसमें प्रवेश न करूं तो प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं बन सकता। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। अब ये किसने कहा? किसने कहा वो है तो सुप्रीम सोली, लेकिन सदगुरु कहेंगे उसको? सदगुरु तो अकाल मूर्त कहा जाता है। अकाल मूर्त का मतलब जिसको कभी कोई काल न खा सके, काल कभी तो खाता आत्मा को, आत्मा खाता शरीर को खाता है ना काल। हाँ तो काल आत्मा को नहीं खा सकता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, सभी है तो काल खाता है। तो अकाल मूर्त किस आधार पर कहा गया? मूर्त के, मूर्ति के आधार पर कहा गया ना अकाल मूर्त। माने वो जिस तन में प्रवेश करता है उस तन को विनाश, विनाश यानी महाकाल भी
आ नहीं सकता। हर दुनिया का विनाश होता है लेकिन वो तन खलास नहीं हो सकता। तो अकाल है और मूर्त, मूर्त माने साकार, मूर्त माने साकार माने शरीर। जैसे सतगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार होगा या बिंदी होगा? साकार हुआ ना। तो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम गुरु भी है, सुप्रीम टीचर भी है। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। तो साकार गुरु होगा तो कौन सा निराकारी दुनिया की मुक्ति में ले जाएगा क्या है? ये शरीर थोड़ा ही ले जाएगा क्या? साकारी होगा तो पहले तो शरीर तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। शरीर छोड़ना माना मरना, मरना कौन चाहता है? बाप ने हमने कौन सा मरना हमको सिखाया? जीते जी मरना सिखाया। तो जीते जी मरने का मतलब ये हुआ कि जो सतगुरु का पार्ट बजाने वाला स्वरूप है वो स्वयं भी पहले जीते जी मरने की स्टेज में आता है और फिर बच्चों को भी ऐसी स्टेज धारण कराता है कि शरीर भी रहे और दुख दर्दों से छुटकारा मन मुक्ति भी मिला दे, दिलवा दे। तो दुख से भी छुटकारा, बुढ़ापे के दुख से, जन्म के दुख से, मरण के दुख से। मरते समय जन्म लेते समय दुख तो होता है ना आत्मा को, बच्चा रोता है तो दुख होता है, अंत समय में भी हिलकोरे आते हैं दुख तो होता है ना, स्वर्ग में तो ऐसा नहीं होता। तो इन दुखों से छुटकारा दिला दे। माना शरीर के बंधन से आत्मा मुक्त अनुभव करती है, जब चाहे तब अपने शरीर में रहे और जब चाहे तब जहां चाहे दुनिया में स्वयं विचरण करे या किसी में प्रवेश करके कार्य करे, यानी बिल्कुल मुक्त। तो परम धाम जाने की बात नहीं है, इस शक्ति पर रह करके ही मुक्त होने की बात है। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए, वो तो है सब झूठ, वो गुरुओं की बात है। सच्ची बात कहाँ की है? सतगुरु की, वो झूठे गुरुओं की बात नहीं है, ये सतगुरु की बात है। अंग्रेजी में परमात्मा को तुत कहते, गॉड इज ट्रुथ, और फिर कहते हैं गॉड इज वन। गॉड इज वन का मतलब क्या? एक बिंदी कहे तो बिंदी पकड़ में नहीं आएगी कि वो एक बिंदी कौन सी, कीड़े मकोड़ों की बिंदी, कि पशु पक्षियों की बिंदी, कि मनुष्य आत्माओं की बिंदी, कौन सी बिंदी, कैसी पता चले? बिंदी बिंदी तो सब एक जैसी। तो जरूर कोई साकार में आता है, तब कहा जाता है गॉड फादर इज ट्रुथ। किसके मुकाबले कहा जाता है? सत्यनारायण की कथा बनती है, सत्य हरिश्चंद्र की कथा बनती है, दूसरों के लिए सत्य शब्द क्यों नहीं लगाते? जरूर प्रतिशत साकार में आकर के एक ने 100% सच्चा पार्ट बजाया है और दूसरों ने वो पार्ट नहीं बजाया, तो वो तो सब झूठ बोलते। ट्रुथ क्या आकर के सत्य बताते हैं ये किसी को पता ही नहीं है क्या? ट्रुथ गॉड फादर कौन सी बात आकर के सत्य बताते हैं? जो सत्य बताते हैं वो किसी को पता नहीं। सारी दुनिया के द्वारा अपोजिशन होता है, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ होती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ, जो आदि में हुआ तो अंत में भी होता है, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ। तो ये अपोजिशन क्यों होता है? क्योंकि किसी को पता सच्चाई का नहीं है, इसलिए अपोजिशन होता है। आप सत्य आकर के बताते हैं ये किसी को पता ही नहीं, हम तुम भी को पता नहीं था, हमको और तुमको भी पता नहीं। हम मन हम एक को कहा जाता है, बहुवचन है ना, हमको माने दो तीन आत्माएं हैं कम से कम। हम माना शिव की आत्मा भी बोल रही है कि हमको पता नहीं था, शिव की आत्मा की बात नहीं है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा और प्रजापिता, इनको भी पता नहीं और तुमको भी पता नहीं, बच्चों को भी पता नहीं, हम तुमको भी पता नहीं। तो जैसे नई बात हो गई, वो ज्ञान का सागर सत्यखंड स्थापन करने वाला है, वो ज्ञान का सागर
दूर कर दिया, और दूर कर दिया इससे साबित होता है कि ये संघ सत्संग स्थापन करने वाला नहीं है, इस तने के द्वारा नहीं, वो हमारा भविष्य में आने वाला कोई परमात्मा पार्ट है जो सत्यखंड स्थापन करने वाला है। वहां किस तरह भी होगा है, लक्ष्मीनारायण तरह भी होगा। अब ऐसे थोड़ी सी कुमार पैदा दी, नारायण हो गई और मनमोहनी दीदी लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मी तो स्त्री चोला और नारायण पुरुष चोला होना चाहिए है? जब ठीक तब ऐसा बताते थे, अब नहीं बताते। अच्छा वो आओ क्या बोल, आप तो समझते हैं कि आप सभी में जाके लक्ष्मी नारायण बने, आप तो गिरी हस्ती है, तो फिर वो तो मर गए ना, अब कौन बनेगा? वो ज्ञान का सागर सत्संग स्थापन करने वाला है, जरूर सब सत्य बतला के गया, तभी तो बहन है। सत्खंड को हेवन कहते और दूत खंड को हेल कहते हैं, वहां डीसी सावरेंटी दिखाते हैं। सावरेंटी किसकी? राज्य किसका? देवताओं का राज्य। अभी है पुरानी दुनिया, नई दुनिया होने वाली है, हुई नहीं है। इसका मतलब वो परमात्मा पार्ट बजाने वाला सुत गॉड फादर का पार्ट अभी है नहीं। ब्रह्मा के तन में जब बोला तब की बात, आने वाला है, इसका मतलब वो परमात्मा पार्ट भी बजने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया, कहीं नई दुनिया होने वाली है। ऊपर क्या बताया? वो ज्ञान का सागर सत्यखंड स्थापन करने वाला है, माने उसको अभी किसी ने पहचाना? पहचाना नहीं। इसको पुरानी दुनिया को आग लगी, स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। विनाश कब गाया जाता है? पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश विनाश होता जाएगा। तो स्थापना जरूर चाहिए। करण करावन हार परमात्मा गाया हुआ है। क्या करण हार और क्या करावन हार है? करण हार किस रूप में? ब्रह्मा द्वारा करण हार, अच्छे कर्म सब ब्रह्मा द्वारा करके दिखाता है। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा पाठ नहीं बजाते कि बच्चे ऐसा क्यों नहीं करते, इनको दंड दे दो। बच्चे करें या न करें, मेरे को करना है। मानो ब्रह्मा ने पोलाइट पार्ट बजाया, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख तब करेंगे, बच्चे करें तो दूसरों को नहीं देखा, यानी बच्चों के अवगुणों को कभी नहीं देखा। क्या किया? अपने अंदर तेरे भले सर्व का भला। ब्रह्मा ने क्या पाठ बजाया? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। वो तेरे कौन है? किसकी तरफ इंट्रोड्यूस किया? तेरे। बड़ा आदमी छोटे को कहता है तेरे या छोटा बड़े को कहता है तेरे है? जो छोटा है वो बड़े को कहता है तेरे नहीं, तेरा तेरा कह के जो बोल बोले जाते हैं वो बहुत छोटा बच्चा होता है, देवी बुद्धि उसके लिए तेरा तेरा कह के बोलते हैं। प्यार भगवान को भी छोटा बच्चा तो बना देते हैं, कहना नहीं चाहिए। भगवान से ज्यादा तो उनकी पार्ट बजाने वाला कोई है ही नहीं। मुरली में भी बाबा बोलते हैं, बोलने का तरीका नहीं है, तरीका नहीं आता तो तेरा तेरा करते रहते हैं। अरे रिगार्ड दोगे तो रिगार्ड मिलेगा। तो तेरा शब्द जो है वो छोटे के लिए मोस्टली यूज होता है, और भगवान तो छोटा ही बन के आता है कि बड़ा बन के आता है। तो जब देखने में आ रहा है कि इससे ज्यादा छोटा कोई नहीं। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो उनके सामने जाने में थर थर कांपते हैं, छोटा राजा भी होगा तो भी थर थर कांपेंगे। आजकल के एमएलए हैं छोटे मोटे, उनके आगे भी जाने में कोई थर थर कांपते हैं। अब वो तो राजाओं को राजा
बनाने वाला है और उसकी कोई बात मान दो बाबा से यही रहूंगा, हमारी तो कोई सुनते ही नहीं। तेरे बात तेरे बहाने सर्व का भला का मतलब है कि जरूर कोई आत्मा है जिसका अगर कल्याण हो जाएगा तो सबका कल्याण हो जाएगा। किसका कल्याण हो जाएगा? आज में सबसे पहले नीचे कौन गिरा? प्रजापिता गिरा। अगर प्रजापिता गिरा कहे तो ये बताओ कि भागीदार जो बोला है तब क्या बोला है भागीदार के बारे में? है अलग को मिला अल्लाह, देर को मिली बादशाही, तो बादशाही सब भागीदार को दे दी। तो अलग कौन हुआ और देर कौन हुआ? अलग प्रजापिता। अलग का डंडा कैसा होता है? खड़ा। और दे का डंडा खड़ा। तो कौन खड़ा हुआ और कौन पड़ा हुआ? अलग खड़ा हुआ, वो यज्ञ छोड़ के नहीं भाग गया। हाँ, कराची में अकेला छोड़ के भागा कौन था? ब्रह्मा छोड़ के भागे ना। मिसाल भी दी है अरविंद घोष का। अरविंद घोष बंगाल से अकेला भागा था। काम होगा पांडवों की चेरी, चेरी मैंने दासी, जो पांडवों की दासी है वहां भाग गया। माने जो अकेला रह जाता है उसकी ताकत कम हो जाती है, अकेला इतना भाड़ नहीं खोल सकता। अगर शिव ज्योतिबिंदु चाहे कि मैं अकेला ही क्या कर दूंगा, दुनिया का विनाश कर दूंगा, नई दुनिया स्थापन कर दूंगा, तो हो जाएगी? नहीं हो सकती। संगठन में बहुत पावर होती है। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने क्या किया, क्या सिखाया? मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारे बनाओ और क्या करो, संगठन की शक्ति इकट्ठी करो। और उनको भी सिखाने वाला कौन? बापों का बाप तो बाबा, वो भी क्या सिखाता है? यूनिटी बनाओ। लेकिन यूनिटी कैसे आती है वो धर्म पिताओं को पता नहीं। कैसे आती है? प्योरिटी। मेरा तो एक बाप दूसरा न, इससे आती है प्योरिटी की पावर और उससे बनती है यूनिटी। त्रेता में कौन सी आत्मा राम बनेगी? यहाँ तो नौ जन्म होंगे ना, कौन सी आत्मा राम बनेगी? वो यहाँ मर्यादा का पार्ट बजाय रही होगी तो राम बनेगी, कि मर्यादा हिंसा का पार्ट बजाय रही होगी, विदेशी का पार्ट बजाय रही होगी, वो बनेगी। बाबा तो अपने लिए कहते हैं पाप विदेशी बनकर के आए, तो मर्यादा का पार्ट हुआ या मर्यादा हिंसा का पार्ट हुआ? अगर विदेशी बन के नहीं आते तो तुम सब बच्चों से मिल भी ना पाते, फिर तो ठेठ हिंदुस्तानी बन जाएंगे। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, फिर संग होगा बच्चों का? फिर नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया राम फेल हुआ वो राइट। मना बाबा ने किस आत्मा के लिए कहा? जो आत्मा त्रेता में राम बनती है वास्तव में, वो आत्मा फेल होती है यज्ञ के आदि में भी। यज्ञ के आदि में भी जब तक प्रजापिता का सहयोग ब्रह्मा को मिलता रहा तब तक यज्ञ स्थिर रहा, और जब विरोधी बन गया या न्यूट्रल हो गया, जो होता है तो होने दो, जिनको विरोध करना है उनको विरोध करने दो, तो ब्रह्मा को छोड़ के जाना पड़ा। पति है, पति अगर पत्नी को देखे झीठ हो गई है मेरी बात नहीं मानती, और वो समझ ले कि ये रचना मेरी रचना नहीं है, मेरे हाथ में मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वास्तव में क्या उसकी रचना है? रचना वो जो रचयिता के कंट्रोल में हो और वो न्यूट्रल हो जाए। स्त्री जिसकी पति रक्षा करता है और वो रक्षा करने के लिए न्यूट्रल हो जाए तो उसका क्या हाल होगा? नीचे गिरेगी ना। तो वहां से ही गलती शुरू हो गई। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। अभ्यक्तवाणी में ये बात क्यों बोला? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त कौन बने? किसका नाम लिया? ब्रह्मा का नाम पहले लिया। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे।
तो कोर्ट में भी जब फैसला जाता है तो पहल करने वाले को दोष दिया जाता है। लड़ाई जब होती है, मान लो तुम बड़ा सा हुआ, हिंसा चप्पलबाजी हुई, तो पहले दोष किसको दिया जाता है? जिसने पहला हाथ उठाया उसको दोषी करार किया जाता है। तो पहले ब्रह्मा, फिर बाप, फिर ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। क्यों ब्रह्मा निमित्त बना? क्योंकि जिसमें सुप्रीम जस्टिस के संस्कार भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, क्योंकि शूटिंग पीरियड में वो संस्कार भरा है, वो आत्मा अगर कानून को तोड़ देगी तो दुनिया में कोई कानून को मानेगा नहीं। सुप्रीम जस्टिस ही अगर कानून को तोड़ेगा तो नीचे वाले सब तोड़ देंगे। ये आज की दुनिया के सुप्रीम जस्टिस हैं, इनके ऊपर ही बहुत जिम्मेवारी है। तो जो बेहद का जस्टिस का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसमें तो कानून के संस्कार बहुत होंगे ना। पूरी लाखों पार्ट बजाने वाली होगी या कहीं लूज होगी? नहीं, लूज होने का मतलब अगर अपना परिवार है उसके प्रति लूज हो गए, वो आ गया, तो जस्टिस सही नहीं माना जाता। तो वहां से गलती शुरू हुई अभी। इसलिए कहा तेरे बहाने सर्व का बने। तो बताया विनाश भी गाया जाता है स्थापना के साथ साथ। परमात्मा करणहार और करावनहार परमात्मा गाया हुआ है। करणहार बनता है किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। और करावनहार शंकर के द्वारा। करावनहार करता नहीं है। बाबा कहते मैं विनाश करूं तो मेरे ऊपर दोष आ जाए, बगले झांकने लगते हैं। तो दुनिया में मेरे को गॉड फादर कौन मानेगा? तो करावनहार का सारा किसके ऊपर थोप दिया? शंकर द्वारा। विनाश कैसे होता है? स्थापना कैसे होती है? प्योरिटी से होती है। स्थापना इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो शंकर को क्या करते दिखाते हैं? या बैठी दिखाते हैं बस, और कोई पार्ट नहीं दिखाया गया है। विचार सागर मंथन हुआ तो क्या करते दिखाया? विष पिया, हाला हाल जो विष निकला सबसे पहले, सबसे पहले उनको जो तुम पी ले, और देवताओं का अमृत मिलेगा तो हम पियेंगे। तो शिव बापी उस तन में आके कहते हैं कि मेरे को आना पड़ता है। पड़ता है मन मजबूरी है, जब कोई नहीं पिएगा, घर में आग लग रही है और बच्चे तो बच्चे हैं, चारों तरफ आग लग रही है और बच्चे सब जले जा रहे हैं, तो बाप क्या करेगा? बच्चों को जला देगा कि खुद को जलाएगा पहले? या तो वो सच्चा बाप नहीं है, और सच्चा बाप है तो कभी ये नहीं सोचेगा भले चलो बच्चे जल गए तो कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे पैदा कर लेंगे। वो बच्चों की तरफ उसकी बुद्धि जाएगी, जलाया जलते हुए बच्चों को पहले निकालेगा। तो ये काम आदमी भी क्या है? आग है ना। सारे संसार में 500 करोड़ बच्चों में ये आग लगी हुई है। ये आग को शांत करने की ताकत किसी धर्म पिता की भी नहीं है। तो इसलिए बाप को ही फिर रहम पड़ता है। आखिर बच्चे किसके? बाप के बच्चे हैं ना। तो करण करावन हार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, स्थापना का काम किससे कराते हैं? ब्रह्मा द्वारा। कैसे कराते हैं वो तो खुद ही बताएंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे कराते हैं? काई की स्थापना, सृष्टि की स्थापना, नए गृहस्थ की स्थापना, ब्राह्मणों के नए परिवार की स्थापना। कैसे परिवार की स्थापना? जहां धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक हाथ में हो, सारी कंट्रोलिंग पावर एक हाथ में हो, तो कौन होगा वो? ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, माने बड़ी अम्मा के द्वारा कराते हैं। तो धर्म सत्ता राज सत्ता किसके हाथ में होगी? अरे लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनेंगे, पहले तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की करनी पड़े, वो राजधानी तैयार करनी पड़े। तो पहले वो स्थापना की सारी पावर किसको देनी पड़े? ब्रह्मा को देनी पड़े। तो जिसका आधार लिया उसको उसके हाथ में सारी पावर देनी पड़े ना। और ब्रह्मा ब्रह्मा कब गाया गया?
ब्रह्मा ब्रह्मा का पार्ट भी तब गाया गया जब कि उसने कृष्ण की सोल भी तवे से जिसने कि माता का एक्यूरेट पार्ट बजाया जिसने बजाया वो आदि की माता तो चली गई। वैसे माताएं कभी छोड़ के नहीं जाती है। लेकिन वो तो रुद्रमाला कमल का था ना, वो कौन सी माला कमल का था? रुद्रमाला कमल का था। पुरुष प्रवृत्ति वाली आत्मा है यह स्त्री प्रवृत्ति वाली पुरुष माना कठोर स्त्री तोला माने रू उसको तो कह दिया आज कलयुग की दुनिया में अबला। लेकिन वो जो आदि वाली माता थी वो पार्ट नहीं है स्त्री तोले वाला। कोई बात मानता है तो ठीक, नहीं मानता है संभालो अपना। पुरुषों ने क्या किया, पुरुषों ने क्या किया? जब तक कंट्रोल में है तब तक ठीक, नहीं मानते तो छोड़ छाड़ गए। ये गए तो यज्ञ के आदि में भी वो माता गई है छोड़ करके। किसको छोड़ के गई? सारे यज्ञ को छोड़ के गई और ब्रह्मा उसको यज्ञ को फिर भी संभाला, बच्चों को संभाला। तो वास्तव में माता का पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया ना। तो कृष्ण की सोल स्थापना के आधार पर सारी ताकत स्थापना की उस बच्चे में जिसने माँ का सारा वजन उठा लिया। बाप का भी वजन उठाया लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है। बच्चे में और बाप में फर्क जरूर होता है, फिर भी हिम्मत तो की। तो अंत तक जब तक शरीर नहीं छूटा तब तक धर्म को छोड़ा नहीं, धर्मन धारणा को नहीं छोड़ा, धारणा में स्थिर बने रहे। इसलिए क्या पाठ हुआ? युद्ध में स्थिर रहने वाले, बल शरीर चला जाए देहम वा पात्या में कार्यम वा साध्या, या तो देह भले छूट जाए, छूट जाए तो छूट जाए, हम भूत प्रेत बन के काम करेंगे। अंत मते सुगतित होगी। जब अंत में आए अभिष रह जाती है तो जो भूत प्रेत होते हैं उनकी भी अगर किसी के काम की वासना रह जाएगी, कोई क्रोध की वासना रह जाएगी तो भूत प्रेत बन करके भी वो वासना अपनी पूरी जरूर करते। तो ब्रह्मा की ये अंदर की तमन्ना थी क्या कि नई दुनिया स्थापन दिल्ली में करनी जरूर है। तो वो चोला छूट गया 68 में 69 में, जरूर कोई दूसरे चोले में प्रवेश करके उनको वो पार्ट बजाना है। कौन सा पार्ट? एक्यूरेट माता का पार्ट, क्योंकि वो तम तो पुरुष का था। फिर भी चोला पुरुष का था ना, चोला भी स्त्री के चाहिए और भी पार्ट भी चाहिए। तो जो रहा हुआ कार्य है वो स्त्री चोले में प्रवेश करके और वो राजधानी स्थापन करने का कार्य ब्रह्मा की सोल करती। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, कैसे कराते हैं वो तो खुद ही बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, मनुष्य मन मनु की औलाद, ब्रह्मा मनु मन ब्रह्मा की औलाद। जिसने संकल्पों सृष्टि रची तो मन चलाने वाला हुआ ना, उसका नाम पड़ा मन। और मनु की औलाद मनुष्य माने मनुष्य, मनु की औलाद कुछ नहीं जानते। कितना भी मन चिंतन मंथन करें जब ब्रह्मा ही कुछ नहीं जानता तो औलाद भी कुछ नहीं जानती। कहते हैं परमात्मा करण करा बना रहे, क्या कहते हैं? जब कहते हैं परमात्मा करण करा बना रहे तो ऐसे ही रट्टा लगा देते हैं कि करण आ रही है और करावन भी आ रही है। पाप भी वही कराता है, पुण्य भी वही कराता है। वो खुद भी पुण्य करता है, खुद भी पाप करता है, ऐसा अर्थ लगा देते। नहीं वो तो बाबा बता रहे हैं, अव्यक्त पार्ट द्वारा कराते हैं। अभी करावन हर का पार्ट कैसे बताया? अव्यक्त पार्ट द्वारा क्या कराया? 69 में जब आया अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ तो ब्राह्मण परिवार की क्या गति थी? श्रेष्ठ गति थी या दुर्गति थी? श्रेष्ठ गति थी। और अब क्या गति है? अब दुर्गति है। तो क्या कराया?
धाराएं वाणी तो चलाई, धाराओं की वाणी सारी चलाई, क्योंकि देवात्मा की वाणी चल रही है तो वो तो धारणा की बातें सुनाएगी ना। लेकिन धारणा बड़ी है या घटी है? कुछ बड़ी है, कुछ में बड़ी है। हाँ, हमको देहधारी गुरुओं में धारणा दिखाई पड़ रही है ज्यादा। देहधारी गुरुओं में धारणा बड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। हाई जंप लगा लिए, जिन्होंने हाई जंप लगा लिए कहाँ स्वर्ग में पहुंच गए? हाई जंप लगा के नई दुनिया में आ गए। धारणा बड़ी हो तो यहाँ आने की दरकार है? जिनकी धारणा बढ़ गई होगी, सन्यासियों की धारणा बढ़ी हुई होती है ना, अपने को ज्यादा पवित्र समझते हैं। सबसे बड़ी धारणा कौन सी है? प्योरिटी की। तो प्योरिटी की धारणा सबसे ज्यादा किसमें होती है? सन्यासियों में। तो वो क्या उनकी बुद्धि में परमात्मा पाठ बैठता है जल्दी? उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता, उनको पवित्रता का अहंकार है, उन्हें धारणाओं का बहुत अहंकार है, तो वो नहीं समझने वाले। तो स्थापना कैसे कराती है? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं परमात्मा करण करा बना रहे, और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। युग अंत और सतयुग आदि, इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कौन से संगम को? जो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम है। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गाया हुआ है, सारे गायन किस समय के है? संगम युग के गायन है, यानी संगम युग में नरक भी हुआ है और संगम युग में स्वर्ग भी हुआ है। संगम युग के पीरियड के अंदर ही दोनों की शूटिंग होती है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुए, ये भी कहां का गायन? लेकिन संगम का गायन मरना माना जीते जी मरते हैं वो ही स्वर्गवासी होते हैं। ये तो सिर्फ गाते रहते हैं कि मर गया माना स्वर्ग पधारा, बिना मरे स्वर्ग नहीं जा सकता कोई। तो ठीक है, गोली मारो तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, सबको स्वर्गवासी कर दो। तो मरने से, उस स्थूल मरने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता। कैसे जाता है? जो जीते जी मरते हैं माना पाप के बनते हैं, बाप की मत पर चलते हैं, वो हुए स्वर्गवासी।